हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे दिल से, वो जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और हो सकता है ना सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, या फिर अपने दिल की बात नहीं कहते, जो भी है खुल के नहीं कह पा रहे एग्जैक्टली दिल में क्या है, तो जानने की कोशिश मैसेजेस के थ्रू। ओके, सेकेंड चांसेस, सॉलिट्यूड, यूनियन, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड सपोर्ट। वर्क ऑन योर कनेक्शन। सो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्ट्रॉन्ग एकदम स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई अकेला फील कर रहा है और कोई अकेला पढ़ के समझ चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, प्यार की वैल्यू क्या है लाइफ में, प्यार कितना बड़ा सपोर्ट हो सकता है वो समझने लगे हैं। और लिटरली अभी जिस भी हालात में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि आपका रिश्ता जिन हालातों में हुआ नो, तभी आप लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उनके किसी भी डाउन टाइम में, लाइक ना फाइनेंशियल हो या इमोशनल ब्रेकडाउन हो, घर में कुछ हुआ था या कुछ तो ऐसा है जिस जहाँ पे आपने बहुत संभाला था, लेकिन उस बात को उन्होंने टाइम बिंग तरह चलते मतलब ऐसे ना कि ठीक है होता है नहीं होता, या फिर तभी आपकी वैल्यू, आपके प्यार की वैल्यू तभी उन्होंने समझ नहीं पाए, लेकिन अभी लिटरली अभी वो समझने लगे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हो, ये सपोर्ट, ये प्यार ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। तो अभी इस बात की ज़्यादा वैल्यू होने लगी है और आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा होने लगी है और ये स्ट्रांगली आपसे यूनाइट होना चाहते हैं और लिटरली सेकेंड चांस है, सेकेंड चांस मांग रहे हैं, ये स्ट्रांगली यूनियन चाहते हैं आपसे। एंड अभी इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उन्होंने क्रिएट की है, उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। यस, दे वांट सेकंड चांस, जैसे उनको अपनी गलती सुधारने का मौका चाहिए, आपसे जुड़ने का मौका। यहाँ पे दोनों भी जो इमेजेस में जो जिस तरह से इंसान गले लगा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जब किसी चीज़ की जब वैल्यू समझते हैं, फिर वो इंसान जैसे दौड़ के उस इंसान के पास जाता है और उसे जैसे ना होल्ड कर लेता है और उसे छोड़ेगा नहीं, लाइक नो जाने नहीं देगा। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है मुझे, जैसे खोना नहीं चाहता वो। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, आपके बारे में फैमिली में बात हो चुकी है, फैमिली मानी ना मानी, शायद ना मानने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो जो भी है, बट आपके बारे में बात ज़रूर हुई है। अभी ऐसा लग रहा है ना, कोई भी बीच में आया तो इट्स लाइक नहीं मानेंगे। ये यू इंस्पायर मी, सो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका बिहेवियर, आपकी जो भी बातें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन की तरह है। आई नो यू आर द वन फॉर मी, मैंने कहा ना कि उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जैसा ही इंसान उनकी ज़िंदगी, मतलब उसी इंसान की ज़रूरत है, वैल्यू है, बट उन्होंने वो वैल्यू समझी नहीं, लाइक ऊपर वाले ने तो दिया था लेकिन इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं। आई स्टॉक यू, सो डेफिनेटली भले सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से, बट ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं ज़रूरी। आई एम सो एम्बैरस्ड ओवर माई एक्शंस, सो स्ट्रॉन्ग 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 फीलिंग है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है, जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया था वो चीज़ का एहसास स्ट्रॉन्गली हो रहा है। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू,
आप ही के सपने देख रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है, आपके सपने देखता है लिटरली, या फिर आपको सपने में देख चुके हैं लिटरली बहुत ज़्यादा। आई फॉरगिव यू, आपके किसी बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया है, किसी भी बात से, भले वो आपने अपनी गुस्से में कहा हो, नाराज़गी में कहा हो, तकलीफ़ में कहा हो, बट वो बातों को उन्होंने दिल से लगा के रखी है। लाइक फिर भी फिर कह रहे हैं कि नहीं, अभी वो समझने लगे हैं कि आपने उस वक्त उस चीज़ को क्यों कहा था। अभी कहते हैं कि आई फॉरगिव यू। दो है, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। अभी भी इनको कमिटमेंट का इशू है, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। और ये मुझे ना कमिटमेंट का डर ये नहीं है कि सोशल फियर या कुछ है, इनको भरोसा नहीं, इनको ना खुद के ऊपर भरोसा नहीं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में जो गलत होता है तो फिर उसमें अभी और आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। इस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है। माई हार्ट एक्स फॉर यू। इनका दिल जो धड़कता है या दर्द भी होता है, तकलीफ़ में जाता है या खुश होता है, हर चीज़ जैसे आप ही के लिए फील होती है। और समटाइम आई विश आई नेवर मेट यू। सो ये बात तो तय है कि उनको आपको हर्ट करने का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपको आपका दिल दुखाने की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो उनको कभी कभी लगता है ना कि काश हम मिले ही ना होते, तो ये सब तकलीफ़ आपको नहीं होती। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, और ये कहानी जहाँ से इन्होंने एंड की थी वहीं से नई शुरुआत होगी, और ये मेहनत अभी ये करेंगे, ये अभी आपके पीछे भागेंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।